हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद अ चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू के आर टू पावर ए, वेयर के एंड ए आर कॉन्स्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू आर बाई टू इज 1/8 टाइम दैट एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो है गॉस लॉ। की कॉन्सेप्ट गॉस वो है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। तो हमारा ये गॉस लॉ है। इसका जो फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला है, यदि हम फॉर्मूला लिखें इसका, तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं द क्लोज्ड इंटीग्रल ई इंटू डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, उसमें चार्ज क्यू है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विथ अ चार्ज डेंसिटी रो। रो हमें गिवन है, वेयर के एंड ए। तो हमें चार्ज, ये हमको चार्ज डेंसिटी रो गिवन है, और तो एयर कॉन्स्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू आर बाई टू इज 1/8 टाइम्स दैट एट आर इज इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, तो चार्ज क्यू गिवन है, बट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू आर बाई टू हमें निकालना है, एंड आर इज इक्वल टू आर आर इज इक्वल टू आर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? चार्ज क्यू निकालना पड़ेगा, एंड रो गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला से हम चार्ज इनक्लोज्ड यदि निकालें, क्यू इन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 4 पाई वॉल्यूम। सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, एंड चार्ज गिवेन है हमारे पास, सॉरी रो गिवेन है के आर इंटू ए, ये गिवेन है। इसका हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन 0 to r। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? चार्ज आ जाएगा इनक्लोज्ड, ए 0 into r होगा यहाँ, r ये हमारा हो गया r। तो हम यहाँ से हम चार्ज इनक्लोज्ड चार्ज हम निकाल लेंगे, क्यू इन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 पाए k, कॉमन आ जाएगा 4 पाए k, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एंड 0 to r r a, तो ये हमारे पास आ जाएगा r a प्लस 2 dr। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, लिमिट यदि हम पुट कर देंगे कंप्लीट, तो आ जाएगा हमारे पास 4 पाए k r a प्लस 3 डिवाइड बाय a प्लस 3। ये आ गया चार्ज क्यू इन आ गया हमारे पास। अब हमें गिवन है कि कोई स्फेयर हमने लिया, इसमें गिवन है हमारे पास कि एक सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, एक सॉलिड स्फेयर है
जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, एंड चार्ज कितना है, क्यू क्यू है, चार्ज इसमें कितना है, क्यू, एंड इनके वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू के आर ए है ही, एंड बोल रहा है कि इस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू आर बाई टू, मीन्स आर बाई टू पर, यहाँ यहाँ कहीं आर बाई टू पर, आर बाई टू यहाँ होगा, एक स्फेयर हो गया हमारा, ये आर बाई टू, ये आर बाई टू है, इज 180 टाइम्स दैट एट आर इज इक्वल टू आर, मीन्स आर इज इक्वल टू आर, तो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ई वन एंड ई टू मान लेते हैं, ई वन डिवाइड बाई ई टू इज इक्वल टू 1/8, ये गिवन है हमें, तो यहां मैं लिख लेती हूँ, चूंकि ई वन बाय ई टू इज इक्वल टू 1/8, ये गिवन है, एंड एंड जो हमारा ई वन होगा वो कहाँ, वो कौन सा है, जब आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू, ये हमने मान लिया कि ई वन है, एंड आर इज इक्वल टू आर, तो ये हम मैंने मान लिया कि ये कितना है, ये हमारा ई टू है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया क्यू इन, आया आर, अब हमको निकालना है कि जब आर हमारा कितना हो, आर बाय टू हो, अब हम निकालते हैं क्यू इन चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल एट, जब हमारा आर इज इक्वल टू कितना है, आर बाय टू, कैपिटल आर बाय टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई के डिवाइड बाय 3 प्लस a, आर की जगह हम रख देंगे आर बाय टू 3 प्लस a, ये आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे कि चार्ज इन जब आर इज इक्वल टू आर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई के डिवाइड बाय 3 प्लस a इंटू आर 3 प्लस a, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यदि अब हम ई वन एंड ई टू फाइंड करना चाहें यहाँ से, अब हमें ये डीएस भी पता है, क्यू इन भी पता है, तो ई वन एंड ई टू भी हम फाइंड कर लेंगे, इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, तो यदि हम ई वन ई टू फाइंड करें, तो उसके लिए हमें हमें सबसे पहले ई वन निकालना होगा, तो ई वन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो फॉर्मूला है हमारा क्लोज इंटीग्रल ई वन इंटू डीएस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई वन आ जाएगा हमारे पास, ई वन हमको निकालना है, एंड डी आर हमारा हो जाएगा 4 पाए, डी एस हमारा हो जाएगा 4 पाए आर बाय टू, आर बाय टू के लिए हमने ई वन माना है का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, आर बाय क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट नॉट होगा, क्योंकि फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट होगा हमारे यहाँ पास, मैंने लिख लिया एप्सिलॉन नॉट, एंड जो क्यू इन है हमारा वो आर इज इक्वल टू कहाँ पर है, आर बाय टू पर हम यूज करेंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से, एंड ई टू हमारा हो जाएगा ई टू इज इन टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ पास क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जब आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। अब हम क्या करते हैं, हमने इक्वेशन मान लिया इसको फर्स्ट एंड इसको सेकेंड, ये फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो हम डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट टू सेकेंड को, हाँ अब हम करते हैं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, जब हम फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि ई वन डिवाइड बाई ई टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/4, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ई वन डिवाइड बाई ई टू इज इक्वल टू इंटू 1/4 इज इक्वल टू, अब इधर कितना बचेगा, हम इधर देखते हैं क्यू इन पर ये हमारा है, तो 4 पाई के से 4 पाई के कैंसिल, 3 प्लस a से 3 प्लस a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे प्लस r बाई टू
टू रेस टू 3 + a डिवाइड बाय आर 3 + a, ये आ जाएगा यहाँ पास। एंड जब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म्स बच रही है वो कितनी बच रही है, सिर्फ बच रहा है हमारे पास आर बाई टू रेस टू 3 + a डिवाइड बाय आर 3 + a, ये आ गया हमारे पास। अब हमें गिवन है कि e1 डिवाइड बाय e2 कितना, हमारे पास 1/8, तो 1/8 हम लिख देंगे यहाँ, 1/8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। हम इसको सेपरेट कर रहे हैं तो आर 3 + a डिवाइड बाय आर रेस टू 3 + a, ये आ गया, इंटू में हमारे पास है 1/2 रेस टू 3 + a, ये मैंने सेपरेट कर दिया, ये से ये कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल। अब यहाँ पास आ गया हमारे पास 2 1/8 इंटू 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू 5, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2 टू होल पावर हमारे जो रेस 1 3 + a। अब यहाँ से हम यदि कंपेयर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 3 + a, तो 5 - 3 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, जो कि क्वेश्चन में फाइंड करने को बोल रहा था। तो हमारा जो द फाइंड द वैल्यू ऑफ a कितना आ गया हमारे पास 2 2 आया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।